हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू कोटपुतली लाइव एजुकेशन। आज हम बात करेंगे बीकानेर यूनिवर्सिटी के बारे में, जिसको सिलेबस के लेके अपडेट आई है। एलएलबी के एडमिशन, एलएलएम के एडमिशन, सारी कंप्लीट डिटेल्स है जो कि आज में इस वीडियो के थ्रू आपको बताई जाएगी। तो आप इस वीडियो के लास्ट तक बने रहें, वीडियो को लाइक और शेयर भी कर लें, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, साथ ही बेल आइकन पर भी प्रेस कर लें, जिससे आगे आने वाली वीडियो अपडेट आपको प्रोवाइड होती रहेगी। साथ ही आज जो है ऑफिशियल अपडेट पता लगेगी आपको सभी चीज़ों की। तो देखते हैं, तो आपको बताते चले कि अगर आप राजस्थान यूनिवर्सिटी से 3 ईयर या 5 ईयर एलएलबी करना चाहते हैं, मोहनलाल सुखाड़िया यूनिवर्सिटी उदयपुर से 3 ईयर या फिर 5 ईयर एलएलबी करना चाहते हैं, या जेएनयू जोधपुर से इसके एंट्रेंस एग्ज़ाम की तैयारी करना चाहते हैं और एलएलबी उसके थ्रू एलएलबी करना चाहते हैं, बीए एलएलबी करना चाहते हैं, तो कोर्स है जो कि हम आपको प्रोवाइड करवाते हैं। तो इसकी डिटेल्स के लिए आप जो कॉन्टैक्ट नंबर है व्हाट्सएप कॉन्टैक्ट, तो वहाँ पे आप मैसेज कर सकते हो। कोई भी जो क्वेरी है इनसे रिलेटेड वो पूछ सकते हैं, कोर्स कैसे ज्वाइन करना है ये भी पूछ सकते हैं। तो देखिए, एलएलएम में प्रवेश के आवेदन 21 सितंबर तक मेरिट से मिलेगा प्रवेश। तो सबसे पहले हम देखेंगे एलएलएम के लिए, राजकीय विधि महाविद्यालय की ओर से एलएलएम प्रथम वर्ष में प्रवेश के लिए आवेदन की प्रक्रिया जारी है। यहाँ पे जो गवर्नमेंट लॉ कॉलेज है बीकानेर का, उसके अंदर जो एडमिशन प्रोसेस है एलएलएम की है वो स्टार्ट हो चुकी है, और जो आपके पीजी डिप्लोमा होते हैं उनकी भी जो एडमिशन प्रोसेस है वो स्टार्ट हो चुकी है। यहाँ पे 21 सितंबर तक ऑफलाइन आवेदन जमा करा सकेंगे, आपको 21 सितंबर तक ये फॉर्म है जो कि भर के जमा करवाना होगा। अंतरिम प्रवेश सूची का जो प्रकाशन है वो 23 सितंबर को हो जाएगा। यहाँ पे लास्ट डेट 21 सितंबर है जो कि दी गई है, और इस आपको कोई भी इस दिन 4 बजे तक प्रवेश संबंधी आपत्ति है तो विद्यार्थी कॉलेज प्रशासन को अपनी शिकायत है जो कि दर्ज करा सकेंगे 23 सितंबर तक ही। साथ ही इसमें ये भी बता रखा है कि फीस जमा कराने के लिए 24 से 26 सितंबर तक का जो है समय निर्धारित किया गया है, मतलब 24 से 26 तक आपको फीस जमा करवानी होगी। और इसमें ये भी बताया एलएलएम प्रथम वर्ष में प्रवेश के लिए ऑफलाइन आवेदन की प्रक्रिया 11 सितंबर से शुरू हो गई थी, और जो आवेदन जो निर्धारित तिथि तक जो है 21 सितंबर तक आवेदन कर सकेंगे। इसमें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होगा, तो देखो जर्नल स्टूडेंट के लिए 55% है, जो ओबीसी हैं एससी एसटी हैं बाकी के लिए आपका यहाँ 50% तक निर्धारित किया गया है। एलएलबी में अर्जित मतलब फाइनल ईयर में आपके एग्रीगेट इतने होने चाहिए प्रथम वर्ष में आवेदन के पात्र होंगे। जो ये फॉर्म दिख रहा है आपको स्क्रीन पे, ठीक है, ये वाला फॉर्म है जो कि आपको फिल करना है, चाहे एलएलबी हो चाहे एलएलएम, किसी में भी एडमिशन लेना होता है हमें किसी भी कॉलेज में, बीकानेर लो, अजमेर लो, कोटा लो, कोई भी लॉ कॉलेज में लो गवर्नमेंट के, उसमें सभी में यही फॉर्म चलता है, यही फॉर्म आपको फिल करना होता है, ठीक है। और इसमें जो सारी डिटेल्स है वो फिल करनी होती है। इसकी जो पीडीएफ है वो आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा, तो आप टेलीग्राम ग्रुप है जो कि ज्वाइन कर लो। अब है इसमें एएलयू के बाद अब एमजीएसयू भी एलएलबी में लागू करेगा सेमेस्टर सिस्टम, नए कानून भी पढ़ाए जाएंगे। मतलब जो एमजीएसयू है, जो महाराजा गंगा सिंह विश्वविद्यालय है, उसमें जो एलएलबी चल रही थी वो पहले एनुअली एग्ज़ाम होता था सब कहीं, अब क्या हो गया सेमेस्टर सिस्टम हो गया, राजस्थान यूनिवर्सिटी में भी, अम्बेडकर लॉ यूनिवर्सिटी में भी, तो उसी के ही बिहाफ पे यहाँ भी यही सेमेस्टर सिस्टम ही किया जाएगा। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर विधि विश्वविद्यालय के बाद अब महाराजा गंगा सिंह विश्वविद्यालय ने भी इसी शिक्षा सत्र से एलएलबी 3 वर्षीय पाठ्यक्रम में सेमेस्टर सिस्टम लागू करने का निर्णय लिया है। नई शिक्षा नीति के तहत प्रथम चरण में शिक्षा सत्र 2024-25 से एलएलबी फर्स्ट ईयर में सेमेस्टर प्रणाली को लागू किया जाएगा। इसके साथ ही विश्वविद्यालय ने 3 नए कानून को पाठ्यक्रम में शामिल करने को भी तैयारी कर ली है। मतलब जो 3 नए कानून आए थे बीएनएस, बीएनएसएस और बीएसए, तो उसको भी शामिल करने की यहाँ अपडेट दे दी है कि सिलेबस में आपको यही सारे सब्जेक्ट्स पढ़ने हैं, ओल्ड वाले सब्जेक्ट्स नहीं पढ़ने। एलएलबी फर्स्ट ईयर का सिलेबस जल्दी अपडेट किया जाएगा। बोर्ड ऑफ स्टडीज़ की बैठक के लिए नए सिलेबस को फाइनल कर दिया गया है। दरअसल डॉक्टर भीमराव अंबेडकर लॉ यूनिवर्सिटी ने इस शिक्षा सत्र से एलएलबी 3 वर्षीय कोर्स में सेमेस्टर प्रणाली को लागू करने का निर्देश दे दिया है। हालांकि राजकीय विधि कॉलेजों में प्रवेश की प्रक्रिया फिलहाल शुरू नहीं हुई है। महाराजा गंगा सिंह विश्वविद्यालय कैंपस में चल रहे स्कूल ऑफ लॉ एलएलबी 5 वर्षीय इंटीग्रेटेड कोर्स और 3 ईयर एलएलबी में सेमेस्टर सिस्टम कर दिया गया है, और इस शिक्षा सत्र से विश्वविद्यालय अपने कैंपस में चल रहे 3 वर्षीय लॉ पाठ्यक्रम में
भी इसे लागू करेगा। LLB 3 वर्षीय पाठ्यक्रम में प्रवेश की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। विद्यार्थियों को नया सिलेबस जल्द ही उपलब्ध कराया जाएगा। विदित रहे कि विश्वविद्यालय में संचालित 5 वर्षीय इंटीग्रेटेड और BA LLB और 3 वर्षीय LLB प्रथम वर्ष में 60-60 सीटें निर्धारित हैं, तो नए सिलेबस के आधार पर होंगी कि अब जो भी आगे पढ़ाई होगी MGSU में, जो कि इसके एडमिशन है वो कि कंप्लीट हो चुके हैं LLB में। तो हम आपको बता दें कि जो इसमें बीकानेर में जो भी आपके LLB कोर्सेज चलते हैं MGSU के जो अंडर है कैंपस, उसमें अब आपका सेमेस्टर सिस्टम होगा, साथ ही में जो नया सिलेबस है वो होगा। अब पुराना सिलेबस है जो कि नहीं चलेगा, नए लोग जो हैं ऐड कर दिए गए हैं, और भी जो भी नया पाठ्यक्रम था अमेंडमेंट करके पूरा जल्दी ही अपडेट दे दी जाएगी। तो आपको यही नए लॉज ही पढ़ने हैं। अब बात करेंगे कि जो गवर्नमेंट लॉ यूनिवर्सिटी है, मीन्स जो ALU के अंडर गवर्नमेंट लॉ कॉलेज आते हैं, जो उसमें LLB एडमिशन कब स्टार्ट होंगे, क्योंकि मोस्टली हमेशा हम देखते थे कि सितंबर के मिड तक स्टार्ट हो जाते थे, पर अभी तो स्टार्ट नहीं हुए, ना कोई अपडेट आई है। जबकि BCI ने भी सभी कॉलेजेस को ओके कर दिया है कि वो एडमिशन ले सकते हैं, तो एफिलेशंस भी दे दी है। तो देखो, इसके जो एडमिशन प्रोसेस है ये आपके सितंबर लास्ट या फिर अक्टूबर फर्स्ट वीक तक देखने को मिलेगी, क्योंकि अभी तक जो है रिजल्ट भी नहीं दिया है। ऊपर से जो ALU के अंडर जितने भी गवर्नमेंट लॉ कॉलेज हैं, सभी की तभी लमसम स्टार्ट होगी, तभी आपको जो है पूरे डॉक्यूमेंट्स वगैरह सब जमा करवाने होंगे।